नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया मेट्रो न्यूज और मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खबर जनपद औरैया से है, जहां एक बार फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है। जहां हाईवे पर बस के इंतजार में खड़े परिवार के लोगों को तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 7 लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं। पूरा मामला जनपद के एयरवाक्टरा थाना क्षेत्र के उमरेन कस्बे का है, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस के इंतजार में खड़े एक ही परिवार के लोगों को लखनऊ की ओर से आ रही होंडा की ऑरा कार ने एक ही परिवार के 7 लोगों को रौंदते हुए एक्सप्रेसवे पर आगे खड़े और अन्य 4 लोगों को भी रौंद डाला, जिसमें 10 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस एक्सप्रेसवे सिक्योरिटी तक ग्रामीणों की मदद लेकर घायलों को आनन फानन में एम्बुलेंस की मदद से एयरवाक्टरा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने 10 वर्षीय गुनगुन, 8 वर्षीय आराध्या और 35 वर्षीय रमन को मृत घोषित कर दिया और कुछ घायलों की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें सेफई के लिए रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि यह परिवार मृतक रमन की भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए आगरा के फतेहाबाद जा रहा था। घटना के बाद अस्पताल में घायलों को देखने पहुंचे परिजनों को उपजिलाधिकारी निशांत तिवारी वे थाना प्रभारी राकेश शर्मा ने धैर्य बांधा। वहीं स्थानीय लोगों ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में कट न होने को दुर्घटना की वजह बताया और कहा कि यदि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में उमरेन में कट होता तो लोगों को आसानी से वाहन मिलते और आए दिन होने वाले हादसों से इतनी बड़ी जनहानि न होती। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को लाइक वे शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।